बनकर तो बच्चे को मार दूंगा। केड़ी पाठक, हाय, आप शायद मिसेस बिली मोरे हैं, राइट? आई न्यू इट। और आप केड़ी पाठक? नहीं, आई थॉट सो। मैं वरुण, जिलमिल चाचा का भतीजा। आई एम सॉरी, मैं पहले आने वाला था। वो क्या है ना, चाचा और डैड चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद मैं डैड का बिजनेस संभालूं। नो वे। आप जानती हैं मेरे डैड का बिजनेस क्या है? एनी आइडिया? स्टील के बर्तन बनाते हैं। अब आप ही बताइए, मैं किसी भी एंगल से बर्तन बनाने वाला दिखता हूं? नहीं ना। वही तो, ये भी कोई जिंदगी है। जिंदगी तो वो होती है जहां हर रोज कुछ डेयरिंग, कुछ नया करने को मिले। जैसे कि ओ आई एम सॉरी, शायद आप कोई इंपॉर्टेंट केस लेकर आए होंगे, राइट? हाँ, और तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। ओ ओ आई एम सॉरी ब्रदर। वो क्या है ना, सही जगह पर गलत वक्त पर पहुंचने की मेरी बुरी आदत है। I just can't help it. मैं चलता हूं। मिसेस बिली मोरे, केडी सर आएंगे तो कह दीजिएगा कि वरुण आया था। ओके, बाय। एक ग्लास पानी मिल सकता है? गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का मजा ही कुछ और है। केस देने आया था या केस लेने आया था? ए, ए, सुन, कहाँ जा रहा है? चोर, चोर, चोर! ये क्या चोरी करने आया था? नहीं, ये बच्चे का खून करने आया था। ओ, तो फिर खूनी खूनी चलाइए ना, चोर चोर क्यों चला रही? हाँ बीना। हे चीफ, तुम ठीक हो? डोंट वरी, वरुण तुम्हारे साथ है। ये सब क्या है? केडी सर कहाँ है? वो दिल्ली में गया है। क्या बात कर रहे हो, ऑफिस में? पारस ठीक है ना? नो नो सर, आप पारस की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना यहाँ पे सर। सर डोंट वरी, मिसेस बिली मोरे ने मुझे पूरा केस समझा दिया। सर मैं जानता हूँ आपका दिल्ली में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ आप पुलकित वर्मा को ढूंढने गए वहां पर। हाँ सर, मुझे पता है वो इस केस की आखिरी उम्मीद है, और हो सकता है ये चाकू वाले को भी उसी ने भेजा हो। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं विलन को ढूंढ निकालूंगा। तुम? हाँ सर मैं। सर उसके जैकेट में से मुझे क्रेडिट कार्ड स्लिप की कॉपी मिली, और मेरा दोस्त उसी क्रेडिट कार्ड कंपनी में काम करता है, तो मैं सब कुछ पता लगा लूंगा सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखो वरुण, ये बहुत खतरनाक है, तुम कुछ मत करो। मिसेस बिलिमोरिया को बोलो कि इंस्पेक्टर दवे को फोन करे, जो करेगी पुलिस करेगी। सर लेकिन जैसा मैंने कहा वैसा करो, ओके? एंड थैंक्स वरुण, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। आई विल टॉक टू यू लेटर। ये पूरा प्लान तुम्हारा था, बेवकूफ था जो तुम्हारी बातों में आ गया। उन तीनों ने मेरी शक्ल देख ली है,
और मेरा चाकू भी वहीं छोड़ गया। अगर पुलिस मुझ तक पहुंची तो मैं सब कुछ सच बोल दूंगा और ये भी बोल दूंगा कि इसमें तुम्हारा हाथ है। और हाँ, उस ट्रंक का तुमने क्या किया? अगर ये केडी पाठक केस जीत गया तो मेरा पोता मेरे बदले हमेशा उस मामूली आया के साथ रहना चाहेगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। खेमचंद, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे सबूत मरिया के खिलाफ हैं। केडी पाठक कितना भी ब्रिलियंट लॉयर क्यों ना हो, मरिया को बचाने में कामयाब नहीं हो सकता। मुझे मेरा पोता चाहिए किसी भी कीमत पर। तुम्हारा पोता तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, तुम्हारा पोता तुमसे इतना डरता क्यों? अरे उसकी माँ ने उसे जो पट्टी पढ़ा के रखी है सिखा दिया है कि उसका दादा कितना बुरा आदमी है। मैडम, बेटा तो मैंने खो दिया, अब पोता नहीं खोना चाहता। फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी हद तक। टेक इट इजी, एवरीथिंग गोइंग टू बी फाइन। यश, थैंक्स अ लॉट, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। यार तुझे मानना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड स्लिप की कॉपी से तूने इसका पता लगा लिया। थैंक्स। अरे तो देखो, अशोक किसी आदमी का नाम नहीं है, फॉरेस्ट का एक हिस्सा है। बोरीवली नेशनल पार्क के इस हिस्से को अशोक वन कहते हैं। और तभी वो आदमी, बाय द वे, कुछ पता चला कौन है? कुछ पता नहीं चला उस आदमी का, ना कोई लाइसेंस, ना कोई सेलफोन, कुछ नहीं। वैसे तुम उसके पास करने क्या गए थे? केडी ने भेजा था तुम्हें? हाँ। केडी का असिस्टेंट हो? यस सर, असिस्टेंट। क्या बात कही आपने इंस्पेक्टर दवे? अपने बॉस को कहना कि वो या उसका कोई असिस्टेंट हमारे काम में टांग ना अड़ाए। कह दूंगा, लेकिन सर अगर मैं टांग नहीं अड़ाता तो मैं यहां तक पहुंचते कैसे? सर ये देखिए। देखिए सर, मैंने कहा ना कि पुलकित यहाँ पर नहीं है, वो बिना बताए मुंबई चला गया। कमाल है, उसके घर वालों ने मुझसे कहा कि वो ऑफिस के काम के सिलसिले में दिल्ली आया हूँ, इसलिए मैं मुंबई से दिल्ली आया। आप कह रहे हैं कि वो मुंबई वापस चला गया। अच्छा, कोई अता पता दीजिए उसका, उनका सेलफोन ऑफ है, कहाँ मिलेंगे? सॉरी, पर देखिए मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि पुलकित इस वक्त कहाँ होगा। हटाओ ये सब। ताला तोड़। चलिए ठीक है, अगर आपको कुछ भी खबर मिलती है तो मेरा कार्ड है आपके पास, अब मुझे फोन करिएगा। जी सर। आप
बुरा ना माने तो एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? जी आशीष, वहां दो जोड़ी जूते पड़े हुए हैं, एक 8 नंबर के जो आपका साइज है और एक 10 नंबर के जो शायद पुलकित का ही साइज है। तो क्या पुलकित जूते पहने बिना ही मुंबई चला गया? इट्स ऑल राइट। चलिए अब बता दीजिए पुलकित कहाँ है, मुझे बताएंगे या पुलिस को? से शुरू हुई। मारवे रोड के बंगलो नंबर A22 में सुधा मेहता की लाश पाई गई और अब मारवे रोड के बंगलो नंबर A21 के दर्शन पटेल की लाश पाई गई है। फोरेंसिक्स का यह मानना है कि ये दोनों कत्ल एक ही दिन पर हुए। मेरा यह मानना है कि ये दोनों कत्ल एक ही दिन एक ही जगह पर हुए हैं और एक ही आदमी ने किए हैं। या फिर औरत? योर ऑनर, मारिया ने सुधा मेहता का कत्ल किया है, ये तो साबित हो चुका है। हो सकता है कि मारिया ने ही दर्शन पटेल को भी मारा हो। प्रोसिक्यूटर साहिबा, बहुत जल्दी में रहती हैं आप, मुझे मेरी बात खत्म करने का मौका तो दीजिए। ओह जरूर, प्लीज। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। सो योर ऑनर, मैं कह रहा था कि ये दोनों कत्ल इस चाकू से हुए हैं और इस आदमी ने उस दिन मेरे दफ्तर में इसी चाकू से इस बच्चे पारस मेहता को मारना चाहा। इतना ही नहीं अरुण, पिछली सुनवाई में आदमी कोर्ट में भी आकर बैठा। हम सब ने इसे देखा, आपने भी देखा था, याद है? मे आई? ऑफ कोर्स। जी जज साहब, मैंने इस आदमी को देखा था। और इस आदमी का भी कत्ल हो गया है? Unfortunately, yes, Your Honor. और मुझे पूरा यकीन है कि इस समय कातिल अदालत में मौजूद है। अदालत में मौजूद है। Order, order. जो एक नहीं, दो नहीं, तीन कत्लों का जिम्मेदार है सुधा मेहता, दर्शन पटेल और ये गुमनाम शख्स जिसको उसने इसलिए मारा ताकि हम इसके जरिए उस तक ना पहुंच जाए। और जाहिर सी बात है योर ऑनर कि कातिल मारिया नहीं हो सकती, क्योंकि जिस समय शख्स का कत्ल हुआ मारिया हिरासत में थी। सर्वप्रथम सवाल योर ऑनर कि यह आदमी आखिर पारस मेहता को क्यों मारना चाहता था? और मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर खेमचंद मेहता इस सवाल का जवाब हमें दे सकते। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर खेमचंद मेहता, आप इस आदमी को जानते हैं? जी नहीं। ओके।
9923416213 आप ही का नंबर है? जी मेरा। तो एक बात बताइए मिस्टर मेहता, अगर आप इस आदमी को नहीं जानते तो उसके जेब से मिली इस क्रेडिट कार्ड रिसीट के पीछे आपका नंबर क्यों लिखा हुआ? हाँ ये नंबर तो मेरा है, लेकिन इस आदमी से मैं कभी नहीं मिला और ना ही इसने मुझे कभी फोन भी किया। योर ऑनर, अगर ये आदमी खेमचंद जी के लिए काम करता तो इनका नंबर उसे जुबानी याद होता, या फिर डायरी में लिखा होता, मोबाइल में सेव किया होता, या लैपटॉप में कहीं तो सेव किया होता ना। इस तरह चिट पे लेकर नहीं घूमता। चलिए मैं अपना सवाल रिफ्रेस करता हूँ, क्यों मिस्टर खेमचंद मेहता इस आदमी ने अपने पर्ची के पीछे आप ही का नंबर लिखा? क्या वजह हो सकती है इसकी, कोई खास वजह? मुझे कोई तो वजह होगी मिस्टर मेहता। मुझे क्या पता, अरे हजारों लोगों के पास मेरा नंबर रहता है, हर एक की फाइल लेके मैं पीछे 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 थोड़ी घूमता हूँ। Are you okay, मिस्टर मेहता? अब मिस्टर मेहता को जाने दिया जाए। लेकिन योर ऑनर, मिस्टर मेहता दिल के मरीज है। मिस्टर मेहता आप जा सकते हैं। थैंक्स थैंक्स मैडम। थैंक्स जज साहब। योर ऑनर, अगर आपको एतराज न हो तो मैं मिसेस दीक्षा पटेल को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है? नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानती। ये आदमी मेरे दर्शन को क्यों मारेगा? मैं तो कहती हूँ कि कोई भी इंसान मेरे दर्शन को क्यों मारेगा? वो तो बेचारा एकदम सरस गाय जैसा सीधा साधा मानस था, उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। मिसेस दीक्षा पटेल, इस सवाल का जवाब शायद आप खुद दे सकती हैं। अब देखिए ना, आपके पति 15 दिनों तक गायब थे और आपने पुलिस में इत्तला भी नहीं की। वो तो क्या है ना कि मेरे पति दर्शन कपड़े का व्यापार करते थे, तो इसके लिए काफी टाइम तक वो शहर से बाहर रहते थे, इसलिए मुझे लगा कि इस बार भी वो उसी के सिलसिले में जयपुर गए होंगे। तो शक नहीं हुआ आपको? अगर वो जयपुर गए भी होते तो वहां से कोई फोन नहीं आया आपको, आप दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई 15 दिनों तक। अरे बातचीत कहाँ से होती, वो जयपुर गए ने उसके पहले हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी मेरी सास की वजह से। वो जिस दिन जयपुर गए ना उस दिन भी हमारी बातचीत नहीं हुई थी। इस बार उनका फोन नहीं आया तो मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा गुस्सा होगी इसलिए फोन नहीं किया। अगर मुझे पता होता ना तो। कोई बात नहीं, संभालिए अपने आप को। ये बताइए कि किस पर शक है आपको, किसने कत्ल किया होगा आपके पति का? पता नहीं, मैंने कहा ना आपसे कि उनका कोई दुश्मन नहीं था। एक मिनट, एक आदमी है ये बिल्डर आहूजा, ये बिल्डर आहूजा ने अपना बिल्डिंग बनाने के लिए सिर्फ सुधा बहन को नहीं, हमको, ये जो सामने सूरती भाई बैठे हैं उनको, सबको घर तोड़ने के लिए बोला था। हम तीनों को ऑफर रखा था इसने। तो क्या किया आपने उस ऑफर का? मैं तो तैयार रहती ने, लेकिन दर्शन इस बात के खिलाफ था तो उसने भी सुधा बहन की तरह साफ साफ इनकार कर दिया। इसीलिए बिल्डर आहूजा ने सुधा बहन के साथ साथ मेरे हस्बैंड का भी मर्डर कर दिया। कमीने आहूजा, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं बदला लेके रहूंगी, तुझे सजा दिलवाके रहूंगी। ऑर्डर ऑर्डर, जाइए बैठिए आप, जाइए। Your Honor, मैं मिस्टर विवेक सूरती को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है? दीक्षा बहन एकदम ठीक बोल रही है, ये बिल्डर आहूजा हम तीनों का घर खरीदना चाहता था। मेरे मना करने पर इसने मुझे भी धमकी दी थी। इस आदमी को जानते हैं आप, कहीं देखा है इससे पहले कभी? जी नहीं, पर ये आहूजा जरूर जानता होगा, इसके साथ मिलकर ही इसने उन दोनों को मरवाया होगा। अच्छा, तो चलिए मिस्टर आहूजा से पूछते हैं। मिस्टर आहूजा, आप इस समय बहुत ही सीरियस सिचुएशन में है, 3 घरों को तुड़वा कर आपने बिल्डिंग बनानी चाही, उनके मालिकों को ऑफर भी दिया,
जिनमें से दो घरों के मालिक मार दिए गए, ये इत्तफाक है या? सर मैं एक बिल्डर हूँ, माना के थोड़े गलत पैतरे इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि किसी को धमकी देना, लेकिन किसी का मर्डर करना, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा गिरा हुआ नहीं हूँ, और किसी की हाय लेके मुझे बिल्डिंग नहीं बनाना है सर। आप इस आदमी को जानते हैं? नहीं, इसको मैं पहली बार देख रहा हूँ, झूले लाल की कसम। सुधा मेहता का खून मिस्टर आहूजा ने किया है, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास केडी? Fortunately, Your Honor, इस समय इस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। तो फिर मिस्टर आहूजा को जाने दिया जाए। Your Honor, दर्शन पटेल के मर्डर केस को सुधा मेहता के मर्डर केस के साथ खामखा उलझाकर मेरे काबिल दोस्त अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। सुधा मेहता का मर्डर मारिया ने किया है ये साबित हो चुका है जज साहब, तो फिर अब तक हम किसी फैसले तक पहुंचे क्यों नहीं है? सुरवीन ठीक कह रही है केडी, तुम्हें मरिया के बचाव में कुछ और कहना है या फिर? मिस्टर के डी पाठक, मरिया के खिलाफ जो भी एविडेंस अब तक अदालत में दिया गया है, ना तुम उनमें से किसी को छुटका सके हो और ना ही किसी को गलत साबित करने में कामयाब हो सके हो। मैं अपना फैसला सुनाने में देर सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि पिछली बार तुमने पुलकित वर्मा को लेकर इस अदालत में बड़ी दुहाइयां दी थी। क्या मैं जान सकता हूं कि पुलकित वर्मा इस वक्त यहां मौजूद हैं? यस योर ऑनर। तो उन्हें पेश करो। मिस्टर पुलकित वर्मा, आप सुधा मेहता जी को जानते हैं? जी, वो मेरे दोस्त अजय मेहता की पत्नी थी। सुधा और मैं एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते थे, काफी काफी करीब थे हम। दोस्त। इट्स अ लिटिल स्ट्रेंज मिस्टर वर्मा कि आपको अपने दोस्त के देहांत के बारे में पता ही नहीं था। जी मैं दिल्ली में था। हाँ, आप दिल्ली में थे, अपने घर वालों से झूठ बोलकर अपने ऑफिस वालों से छिपकर वहां बैठे थे, इसकी वजह जान सकता हूं मैं? जी, मेरी जॉब छूट गई थी और मैं नहीं चाहता था कि बात मेरे घर वालों को पता चले। नौकरी जाने की वजह से मैं काफी डिप्रेशन में आ गया था, इसीलिए मैं अपना फोन ऑफ करके अपने दोस्त आशीष के घर दिल्ली चला गया था, जहां मैं आपको मिला। हाँ, लेकिन एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ मिस्टर वर्मा, कि नौकरी छूट जाने के कारण और इस डिप्रेशन के कारण आप अपनी दोस्त सुधा मेहता का बंगला बेचने का ऑफर लेकर गए थे मिस्टर आहूजा के पास। जी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर वर्मा, क्योंकि मिस्टर आहूजा ने अपने बयान में कहा है कि आप उनके पास उस घर का सौदा लेकर गए थे। झूठ है। सच तो ये है मिस्टर वर्मा कि नौकरी जाने के बाद आपकी नजर सुधा मेहता के करोड़ों की प्रॉपर्टी पर पड़ी। ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो उन्होंने आपके नाम की थी, उसका नाजायज फायदा उठाया आपने, उसके बलबूते पर आपने सुधा मेहता की प्रॉपर्टी हड़पनी चाही। क्या ये सही है या नहीं मिस्टर वर्मा? जी नहीं, मैं तो खुद नहीं चाहता था कि सुधा अपना बंगला बेचे। तो फिर आप उस बंगले का सौदा लेकर बिल्डर आहूजा के पास क्यों गए थे? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि कॉस्ट कटिंग की वजह से कंपनी मुझे और सुधा दोनों को जॉब से निकाल रही है। सुधा के ऊपर लाखों का कर्ज था, बिना जॉब के वो कर्ज कैसे चुकाती भला? मुझे उसकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद बंगला बेचने में ही सुधा की भलाई हो, और इसी नेक सोच के साथ सुधा को बताए बगैर मैं गया था बिल्डर आहूजा से मिलने। कहानी अच्छी है मिस्टर वर्मा, लेकिन क्या सच्ची है? आई डोंट थिंक सो। चलिए ये बताइए, आपने कहा कि आपकी नौकरी छूट गई, आप डिप्रेशन में चले गए, आपने अपना फोन बंद कर दिया, सबसे अलग हो गए, राइट? जी। तो फिर सुधा जी के मौत के दिन आपने उनके घर फोन क्यों किया था? हेलो हेलो सावंत जी। सर कॉल ट्रेस करो।
मैंने यूं ही सुधा का हालचाल पूछने के लिए फोन किया था, किसी आदमी ने उठाया तो मुझे लगा कि रॉन्ग नंबर है, इसलिए मैंने फोन काट दिया। सर सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं बेगुनाह हूं। योर विटनेस। क्या आप इन्हें जानते हैं? जी नहीं। थैंक यू योर ऑनर। इस गुमनाम व्यक्ति को कोई नहीं जानता, कोई भी विटनेस नहीं जानता, कोई सस्पेक्ट नहीं जानता, यानी कि इस आदमी का सुधा मेहता के मर्डर केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ताल्लुक है तो मरिया का, तो मरिया का। किसी ने मरिया से तो इसके बारे में पूछा ही नहीं। मे आए? थैंक यू योर ऑनर। आप जानती हैं इसे? ऑर्डर ऑर्डर। कौन है ये? ये वही है फ्रांसिस गोम्स, जिसके साथ मेरी शादी तय हुई थी। योर ऑनर ये लड़की सही कह रही है, बड़ी मुश्किल से इस आदमी को पुलिस क्राइम फाइल से ट्रेस किया गया है, क्योंकि इसका एक नाम नहीं है, अनेकों नाम है। और हमारी फाइल्स में इसका जो नाम है वह है रंगा, लेकिन इसका असली नाम फ्रांसिस गोम्स है। वो मैं डर गई थी, मुझे लगा अगर मैं आपको बता दूंगी कि मैं इस आदमी को जानती हूँ तो तुम्हारा एक नहीं बल्कि दो दो जुर्म पकड़े जाएंगे। योर ऑनर, केस शुरू होने से पहले मैंने अंदाजा लगाया था कि मरिया ने अपने फियांसे के साथ मिलके सुधा मेहता का कत्ल करने की साजिश की है, पर आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज टोटली रॉन्ग, क्योंकि मरिया ने एक नहीं बल्कि दो दो मर्डर करने की साजिश रची थी, एक सुधा मेहता और दूसरा दर्शन पटेल। इट्स अ डबल क्राइम योर ऑनर। खून मरिया ने ही किया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। खून तुम्ही ने किया है। मैं बेकसूर हूँ, मेरा साथ में से कोई लेना देना नहीं था, वो एक बुरा इंसान था, मैंने उसका कभी साथ नहीं दिया। जज साहब, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, केडी, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। योर ऑनर, स्टॉप इट। जहां इस अदालत को इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि सुधा मेहता का खून मरिया डिसिल्वा ने ही किया है, वहीं इस अदालत को पूरा पूरा शक है कि दर्शन पटेल का खून भी मरिया डिसिल्वा नहीं, मरिया डिसिल्वा नहीं, इसलिए अदालत पुलिस को तंबीह करती है कि वो दर्शन हत्याकांड के सिलसिले में भी मरिया डिसिल्वा के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करे, ताकि ये अदालत इन दोनों मुकदमों का फैसला एक साथ सुना सके। कोर्ट इज अडजर्न। ये लेकिन योर ऑनर, कोर्ट इज अडजर्न। फोरेंसिक्स का कहना है कि सुधा मेहता और दर्शन पटेल के कत्ल जुड़े हुए, तो फिर इस जुर्म में फ्रांसिस गोम्स का भागीदार कौन हो सकता है? अगर थैंक यू, अगर मरिया ने कत्ल नहीं किया तो कौन हो सकता है कातिल? बिल्डर आहूजा, पुलकित वर्मा, खेमचंद मेहता। आई डोंट बिलीव दिस। सर ये क्या है? कोर्ट का आदेश है,
सुधा जी के देहांत के बाद में पारस मेहता को उसके दादाजी खेमचंद मेहता के पास जाके रहना पड़ेगा। कस्टडी उन्हें दी जाती है। उस खड़ूस के पास? हाँ, उस खड़ूस के पास। हाँ दोस्त, मैं जानता हूं तुझे मारिया दीदी के साथ रहना है। कोशिश कर रहा हूं मैं। आज बैठ जा मेरे साथ। सब अगर आप कहें तो मैं कुछ हेल्प। थैंक्स, थैंक यू सर। प्लीज वन चांस। नहीं, एक्चुअली आई लाइक टू वर्क अलोन। मैं अकेले काम करना पसंद करता हूँ। थैंक यू सर। मैं कह रहा हूँ ना। ए यार, तुम बड़े जिद्दी हो यार। कहाँ रहा, मुझे नहीं चाहिए किसी की मदद। इंस्पेक्टर दवे, ये तुम्हें लेने नहीं मुझे कुछ देने आए। क्या देने आए? उधर केड़ी, तुम्हारे खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर है। मिस केस से जुड़े किसी भी गवाह से नहीं मिल सकते। बैठो तो सही। और ये प्यारा सा ऑर्डर पास किया है, नॉट सरप्राइजिंगली, जस्टिस नायडू ने। जब तक पुलिस दर्शन पटेल हत्याकांड की तहकीकात पूरी नहीं कर लेते, हम इस केस में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। पढ़ लिया मैंने तवे, पढ़ लिया। But that's not fair. Mrs. Vilmoria, everything is fair in love and law. तो सर मैं जाकर मिलूं? अरे यार, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे तुम्हारे मदद की। तुम भी नहीं, क्योंकि तुम केडी पाठक के असिस्टेंट हो। मेरा असिस्टेंट? कौन मेरा असिस्टेंट? ये मेरा असिस्टेंट कब से बन गया? अरे इसने खुद ने कहा है केडी है। झूठ बोलता है ये। तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है मेरा दिया हुआ? नहीं है मेरे पास। तो मेरे असिस्टेंट कैसे हो गए? क्या नाम है तुम्हारा? वरुण, वरुण सर। वरुण सर? वरुण सर, सर कैसा सरनेम है? नहीं नहीं, सिर्फ वरुण। हाँ देखो दवे, इस लेटर में लिखा है कि मैं दर्शन पटेल केस में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, लेकिन वरुण सर तो कर सकते हैं। केड़ी तुम गलत कर रहे हो। मैं कहा कुछ कर रहा हूँ, वरुण कर रहा है, सिर्फ वरुण। जाओ करो। थैंक यू सर। इस केड़ी पाठक पर रोक लगाकर तो तुमने बहुत अच्छा किया। इस मारिया को तो सजा हो ही जाएगी ना, फिर तो मेरा पारस हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगा। अरे उस केड़ी पाठक को तो मैंने नोटिस भिजवा भी दिया है। खेमचंद, मारिया का केस बहुत कमजोर है और इसलिए मैं समझता हूं उसे कम से कम उम्र कैद तो होनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो पारस से कस्टडी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने बेटे का बदला अपने पोते से लेना चाहते हो? काला अक्षर भैंस बराबर, काले काले निशान किए हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? मिसेस विलमोरे, लेट्स थिंक, क्या क्या चीजें काली होती है? काले बाल, काली गाड़ी, काला धागा, काला जामुन। खाने की चीजों को छोड़ के कुछ सोचिए। सी कोकोनट। काला, काली रात, अंधेरा, डार्कनेस। दोस्त एक बात बता, तूने जब मारिया दीदी को देखा था वहां अंधेरा था क्या? एनीवे, मेरा शक सही निकला। कोई मारिया का भेस बदल कर वहां गया था, हम सबको बेवकूफ बना रहा है। मारिया की साइज, तुमको मैंने सबसे मिलने भेजा, तुम तो शॉपिंग वॉपिंग करके आ गए। सर मैं सबसे मिलकर ही आ रहा हूँ। सर खेमचंद मेहता ने तो मुझे गेट से ही गेट आउट कर दिया, और आपके लिए ये लेटर भेजा है, लीगल लेटर। और वो बिल्डर आहूजा, उसने तो अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। ये उसकी रिपोर्ट। और वो पुलकित वर्मा, वो किस टाइप का आदमी? वो कहता है उसका इस केस से कुछ लेना देना ही नहीं है। और उसने पारस के लिए ड्राइंग बुक्स और कलर्स भेजे। और हाँ सर, मैं उस दीक्षा बहन के घर भी गया, वहां विवेक सूरती भी था। उन दोनों को यकीन है कि खूनी बिल्डर आहू चाहिए। सर उसके आगे और कुछ पता नहीं लगा पाया। सर पता नहीं, ये लोग मुझे जासूस समझते हैं या फिर डिलीवरी बॉय।
इतनी सारी चीजें भेज दी और इतनी देर तक तो मैं बैठा रहा सर और कुछ पूछा ही नहीं मैंने, कुछ चाय पानी कुछ नहीं सर। अरे हाँ, खाने से याद आया, दीक्षा बहन ने पारस के लिए उसका फेवरेट ढोकला भेजा है। तेरी नौकरी पक्की। थैंक यू सर। कैरी, हमारे ऑर्डर्स के बावजूद तुमने इस केस के गवाहों को कांटेक्ट करने की कोशिश की है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। I'm sorry, Your Honor, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। अदालत में तो आप मुझे बोलने ही नहीं देते, इसीलिए मैंने कातिल को यहीं बुलवा लिया। क्या कहा, क्या कहा तुमने? कातिल को फोन करके यहाँ बुला लिया? वाह, ये तो बड़ा अच्छा किया। तो कातिल यहाँ आएगा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा और अपना जुर्म कबूल करेगा और हम लोगों से गिरफ्तार कर लेगा, क्यों? एग्जैक्टली योर ऑनर, ऐसा ही कुछ होने वाला है। कम ऑन, डोंट बी रिडिकुलस। मुझे लगता है कोई आ रहा है, छुप जाना चाहिए। आइए जैसा। और सुनो, तू वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है और डरना मत। रवि आ जाओ। फ्रांसिस गोम्स का कत्ल करते देख लिया। दीक्षा जी आप भूल गईं। गोम्स की लाश को मैंने ही डिस्कवर किया था जब मैं उसके घर गया था, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मैंने आपको उसे मारते हुए देखा था। तो फिर ये बात तुमने अदालत में क्यों नहीं बताई? अगर बता देता तो फिर आपको ब्लैकमेल कैसे करता? इनफैक्ट उस दिन मैं इसी इरादे से आपके घर आया था, पर उस दिन विवेक सूती आपके यहाँ थे, इसलिए 10 लाख ले जाने के बजाय ढोकला लेकर चला गया। ये वकील केडी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो तुम तो क्या चीज हो? दो खून तो मैं कर चुकी हूँ। तीसरा खून भी सही, योर ऑनर आपको याद है ना, मरिया ने अपने बयान में कहा था कि फ्रांसिस गोम्स का चक्कर किसी औरत के साथ चल रहा है, कि वही औरत है योर ऑनर। सुधा और फ्रांसिस गोम्स की कातिल दीक्षा पटेल है। मेरे पति दर्शन को मेरे और फ्रांसिस के चक्कर के बारे में पता चल गया था और इसी की वजह से हमारे घर में दोनों के बीच लड़ाई हुई और उस लड़ाई में फ्रांसिस ने मेरे पति दर्शन को चाकू से मार डाला।
था कि ये खून कोई खिड़की में से देख रहा है, और वो इंसान थी मेरी पड़ोसी सुधा बेन मेहता। मैंने सुधा बेन को टिफिन में ढोकला बना के भेजा था, वही टिफिन वो मुझे वापस करने आई थी। दर्शन का खून देके वो घबरा के मुड़ के चली गई, लेकिन मैंने तो देख लिया ना। अब सुधा बेन को रास्ते से हटाना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था, इसीलिए एक तरफ मैंने फ्रांसिस को दर्शन की लाश ठिकाने लगाने के लिए ट्रंक लेने को भेजा, और दूसरी तरफ मैं सुधा बेन के घर गई। अरे दीक्षा बेन, ये क्या हुलिया बना रखा है मरिया की तरह? आइए आइए अंदर आइए। वो क्या है ना कि मेरी किट्टी पार्टी में फैशन ड्रेस थी मैं, इसीलिए मैं ईसाई बन के जा रही हूँ। वैसे कैसा है मेरा ड्रेस? हाँ अच्छी लग रही है। वो क्या है ना कि मैं आपका टिफिन लौटाने ही आ रही थी। लेकिन दर्शन का कत्ल होते देख लिया। सॉरी सुधा बेन, आपको मरना पड़ेगा। नहीं, क्या कर रही आप? और फिर मैंने घर की हालत ऐसे कर दी जैसे खून चोरी के इरादे से हुआ था। फ्रांसिस को पारस के पीछे लगा दिया, लेकिन फ्रांसिस वो तो कुछ अपने अलग ही प्लान बना रहा था। उसने पारस को मारने से पहले उसको अगवा करना चाहा, ताकि वो उसके दादा खेमचंद से फिरौती की बहुत बड़ी रकम पा सके। अब फ्रांसिस को आपकी ऑफिस में इन तीनों ने देख लिया, इसलिए मुझे फ्रांसिस को भी मारना पड़ा। मुझे तो लगा था कि मैं बच निकलूंगी, कैसे पकड़ लिया आपने मुझे? मिसेस दीक्षा पटेल, कहते हैं ऐसा कि हर मुजरिम कोई ना कोई चूक जरूर कर जाता है। ये टिफिन बॉक्स जो मौका वारदात पे मौजूद थी, इसे आपको अपने पास नहीं रखना चाहिए था। और रख भी लिया तो इसी टिफिन बॉक्स में पारस के लिए ढोकले नहीं भेजने चाहिए थे। केदी, तुम एक टिफिन बॉक्स से कातिल तक पहुंच गए? जी योर ऑनर। और वो तस्वीर जो पारस मेहता ने बनाई थी, जिस पर उसने बिल्ली और सितारे बनाए थे, ठीक वैसा ही जैसा इस टिफिन बॉक्स पर है। आपने तो उसे बच्चे की ड्राइंग कहकर नकार दिया, लेकिन उसी ड्राइंग ने मुझे कातिल तक पहुंचाया। गुड, ये अदालत दीक्षा पटेल को
सुधा मेहता और फ्रांसिस गोम्स के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाती है और पुलिस को हिदायत करती है कि वो फौरन दीक्षा पटेल को गिरफ्तार कर ले और मारिया डी सिल्वा के खिलाफ जो तमाम इल्जाम लगाए गए थे उनसे बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। खेमचंद जी, अब बुजुर्ग है तो इसे मेरी नसीहत मत समझिएगा, दिल की बात कह रहा हूं। जो जंग आप ताकत से नहीं जीत सके प्यार से जरूर जीत जाएंगे। जाओ बेटा, जाओ। ठीक है, थैंक्स केडी। बाय। कांग्रेचुलेशन। हाँ वरुण, वरुण थैंक यू वेरी मच। दवे माय न्यू असिस्टेंट वरुण। असिस्टेंट कब से? बस अभी से। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। चले सर, केडी का मतलब क्या है? वरुण, केडी की हिस्ट्री एक मिस्ट्री है, इसे मिस्ट्री रहने देते हैं, है ना? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।